हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खुनी गवर्स में। तो इस वीडियो का थंबनेल वो आपने देख लिया, तो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप डिस्कॉर्ड में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और जो टूर्नामेंट होता है आप अगर भैया करते हो तो आप डायमंड वो कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि एवरी डे टूर्नामेंट वो चलने वाला है और एवरी डे आपका काम इससे पड़ने वाला है। तो भाई पर डे 7:30 बजे मैं सभी रेडी रहा करूँ, क्योंकि उस टाइम पर कस्टम बनता है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई उस पर कस्टम में पहले बंदे कहाँ से आ जाते हैं, तो भाई वो मतलब सभी डिस्कॉर्ड में रजिस्टर करके रखते हैं, ठीक है। यानी आप डिस्कॉर्ड में रजिस्टर कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐप है वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो ये सिंपली छोटा सा स्टेप है, आपको मैं पूरा बता दूंगा। बट थोड़ी सी वीडियो वो लंबी होने वाली है, क्योंकि यार आपको मैं पूरा डिटेल में वो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और स्किप तो आपको बिल्कुल करना नहीं है। तो भाई सिंपली आपको डिस्कॉर्ड है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो तो डिस्कॉर्ड डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सिंपल सी बात है, आप उसमें रजिस्टर कर ही दोगे, ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, अपना ईमेल नाम अता पता डाल दो और रजिस्टर हो जाएगा। अब भाई हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से आप जुड़ कैसे सकते हो, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना अभी की ये वीडियो, तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ है वो लिख रखी है, ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब पेज थोड़ा ओपन होने में टाइम लेगा, उसके बाद गई यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको एक्सेप्ट इनवाइट, यानी आप हमारी टीम खुनी सर्वर से जुड़ रहे हो, तो आपको सिंपली एक्सेप्ट इनवाइट कर देना है। उसके बाद वापस से एक दूसरा ऑप्शन है वो मांगा जाएगा आपसे, वापस से एक्सेप्ट इनवाइट, ठीक है। आपको एक्सेप्ट इनवाइट है वो वापस से कर देना है, यानी आप टीम खुनी सर्वर से ज्वाइन हो चुके हो। उसके बाद गई सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है जो मेरे टीम खुनी में जो लोगो है वही सेम लोगो इसमें आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप सिंपली टीम खुनी से जुड़ गए हो। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे मैंने बोला था कि प्ले स्टोर से गेम टीवी डाउनलोड कर लेना है। गेम टीवी डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना नंबर वो फिल कर देना है, ठीक है, जो भी आपका नंबर हो। तो भाई डिस्कॉर्ड और गेम टीवी, तो डिस्कॉर्ड में तो आपने रजिस्टर कर ही दिया, आप हमारे सर्वर से ज्वाइन हो गई। अब गाइस अब आपको अपना गेम टीवी में नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका एक OTP आएगा, ठीक है। OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे मेरे यहाँ पे OTP आया 162352, तो इस तरीके से आपका कोई भी OTP वो आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें OTP वो भर देना है, ये वाला मत भरना, आपके जो नंबर पर OTP आया है वो वाला आपको डालना है। अब भाई यहाँ पे आप अपना, उसके बाद ये प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद आपसे ये नाम मांगेगा, ठीक है। अब आपका नाम जो कुछ भी हो तो आपको यहाँ पे अपना नाम है वो डाल देना है, जैसे मैंने अपना यहाँ पर नाम डाल दिया मनीष शर्मा। चलो मैं अपने यहाँ पे नाम हटा के खूनी गेमर्स डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे YouTube चैनल का नाम खूनी गेमर्स है, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया खूनी गेमर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली इसको नेक्स्ट कर दिया, यानी एक तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने के को मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ और जी को भी थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, जिससे अच्छा लुक लगे। तो यहाँ पे मैंने खूनी गेमर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारे गेम है वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फ्री फायर वो सेलेक्ट कर लेना है, इसमें और भी हैं एनिमल टावर, ब्राउज स्टार और पबजी। तो यहाँ पे मैंने फ्री फायर खेलता हूँ, तो मैंने फ्री फायर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसको नेक्स्ट करते जाना है, यानी इसमें और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने, ये सिर्फ गेम टीवी में करना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपको गॉट इट नेक्स्ट जो कुछ मांग रहा है आपको इसको सिंपली स्किप कर दो, स्किप करना चाहो तो गॉट इट, करना चाहो तो गॉट इट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा, यानी आप गेम टीवी में भी रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपको करना क्या है, छोटा सा सिंपल सा स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। आपको सिंपली यहाँ से ये चीज़ है वो काट देनी है, ठीक है, यानी आपको होम वाले बटन पर चला जाना है, जैसे फिर वापस से आपको डिस्कॉर्ड ओपन करना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड जैसे ही आप ओपन करोगे तो डिस्कॉर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली ये होता है टूर्नामेंट लिंक, यानी आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऊपर भी पढ़ सकते हो कि टूर्नामेंट लिंक यहाँ पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सर्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे सर्वर से पहले डिस्कॉर्ड में जुड़ गए थे, तो यहाँ पर सिंपली आपको थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो टूर्नामेंट लिंक आ जाता है, वहाँ पर टूर्नामेंट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पर आपको टूर्नामेंट लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ होना चाहिए टूर्नामेंट लिंक, यानी टूर्नामेंट की लिंक है, यानी आप जो पार्टिसिपेट करोगे टूर्नामेंट उस चीज़ की। तो एक बार समझ लो, पर बार बार समझने का कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। तो क्या सिंपली आपने ये प्रोसेस है वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो टूर्नामेंट लिंक का मतलब ये होता है कि जो हम टूर्नामेंट की लिंक है वो डिस्कॉर्ड में ही डालते हैं, ठीक है। अब ID पासवर्ड कहाँ पर मिलेंगे सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आप ID पासवर्ड भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। रजिस्टर का टाइम होता है यानी 10 बजे शाम को, यानी 8:30 बजे हमारा टूर्नामेंट वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो लॉबियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। सेकेंड
यानी फर्स्ट है और 7:30 बजे और सेकंड है वो 8 बजे। तो आपको दोनों टूर्नामेंट में रजिस्टर करना है। तो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये गेम टीवी में आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा जो कि आपने पहले बना रखा था गेम टीवी। तो जैसे ही आप उसमें गेम टीवी में जाओगे तो यहाँ पर लिखा रहता है रजिस्टर, यानी अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये आपसे 2 बार रजिस्टर मांगेगा, ठीक है। क्योंकि एक पहली बार में आपका रजिस्टर पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका ज्वाइन गिल्ड एंड रजिस्टर इस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को चीज़ों को काट देना है वापस से आपको, मतलब क्योंकि पहली बार में ये चीज़ें वो नहीं होती है, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो ना आप इन चीज़ों को यूज़ तो पहली बार में आपका नहीं होगा। तो आपको वापस से डिस्कॉर्ड में जाना है, यानी इस ऐप को काट देना, ठीक है, यानी जो ये होता है ना क्या बोलते हैं गेम टीवी, इसको काट देना है। उसके बाद वापस से आपको डिस्कॉर्ड में जाना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड में जाने के बाद वापस से उसी लिंक पे जो मैं अभी क्लिक करके आया हूँ उसी लिंक पे आपको क्लिक करके आना है। और यहाँ पे आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। यानी देखो जैसे मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ठीक है, यानी इसको अपने बैकग्राउंड से हटा देता हूँ। जैसे मैं हटा रहा हूँ ऐसे ही आपको हटा देना है। मैंने वहाँ से उस गेम टीवी को हटा दिया था और मैं वापस से वो डिस्कॉर्ड है वो खोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्कॉर्ड जैसे ही खोला मैंने उस लिंक पे वापस से क्लिक किया, लिंक पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरा सिंपल सा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। क्योंकि यार मैं पहली बार था इसमें भी और आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप भी अगर पहली बार कर रहे हो रजिस्टर, यानी कल करोगे तो आपका सिंपली हो जाएगा, बट अगर आज आप कर रहे हो तो ये आपका नहीं होगा। तो आपको इस तरीके जैसे मैंने बताया था कि गेम को वहाँ से बैकग्राउंड से हटा देना है। अब उसके बाद गए यहाँ पे आपको इन गेम आईडी, यानी आपकी जो आईडी है, जैसे मेरी आईडी है यूआईडी होती है, ठीक है, गेम यूआईडी वो आपको फिलअप कर देनी है, इसमें फिल कर देनी है। जैसे मेरे 5463313 जो भी मेरी यूआईडी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी, जो भी आप गेम की आईडी होती है वो आप आपको डाल देनी है। जैसे ही आप इसमें डालोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट है वो कर देना है और इसमें कुछ चीज़ नहीं करनी है। सबमिट आप जैसे ही करोगे तो और ही बहुत सारे, मतलब कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये सोच रहे हो कि उसके बाद आपका इन गेम नेम वो आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसमें आईडी डालोगे, जैसे मेरा टी के मनु भाई टी है, उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे एक साइड रजिस्टर कर देता हूँ तो सिंपली मेरा रजिस्टर वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें आया ये टी के मनु भाई टी वेलकम टू सो डायमंड FF टूर्नामेंट #3 पावर्ड बाई गेम टीवी। अब भाई यहाँ पर ही आपको आईडी पासवर्ड वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि आपको और कहीं पर अभी आईडी पासवर्ड आएंगे। यानी अगर 7:30 बजे टूर्नामेंट अपना स्टार्ट हो रहा है तो आपको 7:20 पे या 7:25 पे आपको आईडी पासवर्ड वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आईडी पासवर्ड डाल के कस्टम में घुस जाया करो, ठीक है। जैसे और लोग पर डे कस्टम में घुसते हैं ऐसे आपको घुस जाना है। और अगर आपके एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को वापस से देख लेना। अब भाई सिंपली हमने ऐसे जैसे मतलब पहले इसमें यानी पहले टूर्नामेंट में यानी फिलअप किया है ऐसे हमको कहीं वहाँ पर एक दो टूर्नामेंट थे, ठीक है, तो दोनों टूर्नामेंट में आपको अपनी यूआईडी डाल के सबमिट कर देना है। जैसे मैंने पहले टूर्नामेंट में तो यहाँ पर कर दिया। अब भाई मैं वापस से डिस्कॉर्ड में जाता हूँ और डिस्कॉर्ड में जाने के बाद वापस से जो दूसरी लिंक थी यानी जो टूर्नामेंट लिंक थी, दूसरा दो टूर्नामेंट होंगे तो दूसरे टूर्नामेंट में भी आपको ऐसी आईडी डाल के और यहाँ पे सबमिट कर देना है। और उसके बाद वहाँ पे भी आपको आईडी पासवर्ड, यानी जैसे 7:30 बजे कस्टम खत्म होगा, 7:30 बजे कस्टम स्टार्ट होगा, उसके बाद आधे 15-20 मिनट बाद कस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट के आईडी पासवर्ड आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर गेम टीवी में आपको आईडी पासवर्ड आपको यहाँ जहाँ पर ये लिख रहा है ना एटी गेम वाईटी, इसके नीचे ही आपको आईडी पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस मैं वापस से सिंपल सा वही प्रोसेस है डिस्कॉर्ड में आया, अगर मेरे यहाँ पे दो लॉबी है तो दो लॉबी में कर दो, तीन लॉबी में, यानी आपको जितनी लॉबी दिखती है उतनी लॉबी में आपको रजिस्टर कर देना है। अब गाइस जैसे ही वापस से मैं सेकंड में आया तो सेकंड में भी यहाँ पर मैं सेम वही है, मैंने अपनी यूआईडी डाली, उसके बाद मेरा इन गेम नेम आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली रजिस्टर लिखा हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो गाइस यहाँ पर डे गिव अवे टूर्नामेंट होता है तो सभी पार्टिसिपेट कर लेना, कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। वैसे मैं यूट्यूब पर भी दे देता हूँ बट यूट्यूब से फिर क्या होता है बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे घुस जाते हैं। अब जैसे ही आप बोइया करते हो 0 किल करो, 10 किल करो, 20 किल करो, कितने भी किल करो, बस आपको बोइया लेना है, सर्वाइव करके खेलो, रस करके खेलो। तो भाई यहाँ पर आप अगर जैसे मान के चलो 3 टूर्नामेंट होते हैं, 7 टूर्नामेंट होते हैं, अगर आप उसमें से एक बोइया करते हो तो पर बोइया का 100 डायमंड, ठीक है, तो दो किए, 3 किए, तो यहाँ पर आप मतलब सिंपली मतलब बहुत सारे लोगों ने कल भैया किए थे बट वो डिस्कॉर्ड में ना तो रजिस्टर थे। और सब कुछ आपको लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। यानी मैंने सब कुछ बताया, सब कुछ सिंपली आपको पूरा तरीके से बता दिया। अगर कुछ भी अगर आपको रह गया हो तो यार वापस से वीडियो को वो देख लेना। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जो भी भाई नया है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा या जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।